आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे थ्री फेस अल्टरनेटर, ठीक है। थ्री फेस अल्टरनेटर कपल्ड विद डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारी डीसी कंपाउंड मोटर, ये क्या है, डीसी कंपाउंड मोटर। वो क्या है हमारा, ये थ्री फेस एसी जनरेटर हमारा, क्या है, थ्री फेस एसी जनरेटर, ठीक है। ये एक्सल इसके साथ क्या है, शाफ्ट के साथ कपल्ड है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा डीसी मोटर है, इसको इसकी नंबर नंबर प्लेट दिखाओ नीचे होके, ठीक है। तो इसकी रेटिंग ये देखो आप, क्या है, 5 किलोवाट का ये डीसी जनरेटर है, आरपीएम 1500 पे है, तो ये करता है, ठीक है। इसके अंदर से 4 तारे जा रही है, कितनी तारे जा रही हैं डीसी जनरेटर में, डीसी मोटर में कितनी जा रही हैं, 4 तारे जा रही हैं। कौन सी मोटर है ये, कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। ऊपर आओ, ये 4 तारे जा रही है ना, ये कहाँ जा रही है, ये देखो कहाँ रही है, ये तार, चार तारे हमारी आ गई, ये 4 तारे आ गई, ठीक है। ये देखो, ये आ गई आर्मेचर की, A1 और A2 किसकी है, आर्मेचर की वाइंडिंग, किसकी है, आर्मेचर की वाइंडिंग। F1 और F2 किसकी, किसके कनेक्शन है, फील्ड के कनेक्शन, फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन, ठीक है, पता चल गया, फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन। 4 तारे गई, 2 तारे गई आर्मेचर में, 2 तारे गई फील्ड में, ठीक है। ये इसका क्लियर हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं आप ऐसे, ठीक है। अब इसकी कितनी तारे आ रही हैं, एसी जनरेटर से कितनी तारे आ रही हैं, 4 आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ये जी इधर, कितनी तारे आई जनरेटर की, 4, R, Y, V और N, ठीक है, L1, L2, L3 और न्यूट्रल, R, Y, V और न्यूट्रल, तीन फेज आ रहे हैं हमारे, और एक न्यूट्रल हमने इधर से ले लिया, जनरेटर क्या न्यूट्रल होगा होगा, ठीक है। तो थ्री फेज आ गया हमारा, अब क्या है, ये डीसी कंपाउंड मोटर है ये, ठीक है ना। सप्लाई हमारे पास क्या है, एसी सप्लाई आ रही है ना, एसी सप्लाई उधर से आ रही है, सिंगल फेज तार है हमारी, ये 2 तारे हैं, ये देखो, ये सिंगल फेज सप्लाई है। अब सिंगल फेज सप्लाई को हमने डायरेक्ट थोड़ी मोटर को थोड़ी दे सकते हैं, डीसी मोटर को नहीं ना सप्लाई दे सकते, तो उसके लिए इसके अंदर एक इनबिल्ट रेक्टिफायर लगा, क्या लगा, इनबिल्ट रेक्टिफायर लगा, ठीक है ना। अब मैं इसको चेंज कर रहा था ना, ठीक है ना, इसकी आउटपुट चेंज कर रहा था, तो आउटपुट मैंने देखा इसके पीछे वो लगा हुआ है, वेरिएक लगा, लेकिन वेरिएक हमारा एसी पे काम करता है, इसलिए मैं 10 मिनट सोच रहा था क्या है, फिर रेक्टिफायर मिला तो फिर शांत हुआ मैं, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो ये एसी चेंज कर रहा है, जो एसी है हमारा वो चेंज होके डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, पीछे रेक्टिफायर लगा हुआ है, दिखाता हूँ मैं, घुमाऊँ उसको, ये देखो, इससे हमारा डीसी चेंज हो रहा है ना, वो देखो कैसे हो रहा है, यहां तक एसी था, वेरिएक तक एसी था, इसके बाद कहां जा रहा है आउटपुट हमारा, ये कहां जा रहा है, ये देखो, ये हमारा रेक्टिफायर है, क्या ये रेक्टिफायर है, ये देखो नाम पढ़ना इसके ऊपर, देख लिखा भी है इसके ऊपर, SD 30/40 एम्पीयर, ठीक है। ये सेमी क्रोन का रेक्टिफायर है, ये इनबिल्ट रेक्टिफायर है, ठीक है, सिंगल फेस रेक्टिफायर है, ठीक है। अब आगे वेरिएक, पहले वेरिएक करेगा, एसी को कम करेगा, तो एसी हमारा कहां जाएगा, रेक्टिफायर में, तो रेक्टिफायर उसको रेक्टिफाई करके तो आउटपुट कहां देगा, डीसी कंपाउंड मोटर में देगा, ठीक है, रेक्टिफायर। अब पता चल गया आपको सिंगल फेस से हमारी मोटर कैसे चल रही है, मोटर की स्पीड कैसे वैरी हो रही है, मोटर की स्पीड हमारी यहां से वैरी हो रही है, इधर से हम चेंज कर रहे हैं, तो एसी कम हो रहा है, एसी आगे रेक्टिफायर होकर किसको मिल रहा है, डीसी कंपाउंड मोटर को मिल रहा है, ठीक है ना। फिर उसके आर्मेचर और फील्ड में जा रहे हैं पावर जा, तो कहाँ तक है, 240 तक इसको रखा हुआ है डीसी तक, ठीक है ना। तो ये हमारे जो 2 वोल्ट मीटर है, एक है एम्पियर मीटर, ये किसका है, ये डीसी मोटर के लिए है, डीसी मोटर में जो आउटपुट जाएगा, जो करंट कितना खा रही डीसी मोटर वो शो करेगा, और वोल्टेज शो करेगा जो डीसी मोटर जो खा रही है हमारी, ये डीसी मीटर है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा आगे, ये है हमारा चेंज ओवर, जब हमने ये सेटअप ऑन करना है तो इसको ओपन करेंगे, अदरवाइज देखो ओपन करने से इसका इंडिकेटर चलने स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, मोटर भी चलने स्टार्ट होगी, ठीक है, मोटर चलने स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, इससे हमारी स्पीड ऊपर नीचे होगी, ये देखो मैं इसको कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, मोटर की रोटेशन चेंज हो रही है, ठीक है, आवाज़ ही आपको पता चल रही है, ये देखो ऊपर, ये एम्पियर्स किसके बता रहा है, डीसी मोटर जो एम्पियर खा रही है हमारी, वोल्टेज कितनी मिल रही है, 110 के करीब वोल्टेज मिल रही है, डीसी वोल्टेज मिल रही है किसको, इस मोटर को मिल रही है, ठीक है। तो जैसे हम इस पे लोड आएंगे, लोड चढ़ाएंगे इसके ऊपर, तो ये एम्पियर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मीटर्स हैं, ये किसके मीटर्स हैं, अल्टरनेटर के मीटर्स हैं, कौन सा अल्टरनेटर, वो जो हमारा अल्टरनेटर पड़ा है, थ्री फेस अल्टरनेटर है जो, ठीक है ना, इसका, हाँ, तो ये हमारे थ्री फेस अल्टरनेटर के क्या है, मीटर्स हैं,
तो ये आ गया हमारा एम्पियर मीटर, ठीक है, आर फेस का, ये एम्पियर मीटर आएगा बाय फेस का, और ये बी फेस का, ठीक है ना। तो इसको ऑन करेंगे हम, तो ये हमारी वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी मीटर है। कौन सा फ्रिक्वेंसी मीटर? रीड टाइप, ठीक है ना। रीड सेंस के बीच में अलग अलग वाइब्रेट होती है, जिस जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा वाइब्रेट होगी तो वो उतनी फ्रिक्वेंसी हमारी जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे मीटर है हमारा, कौन सा मीटर है ये, देखा, बैरियर को डायरेक्ट नहीं करना स्टार्ट, धीरे धीरे स्टार्ट करना। इसको हम जिस साइड रखेंगे, अब ये क्या है, सिंगल मीटर, देखा, सिंगल मीटर लगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी मीटर लगा, जिस फेस पे रखे, इधर इधर देखो ध्यान से, क्या लिखा है, बी आर, क्या लिखा है, बी, और नीचे बैठो, ये क्या लिखा है, वाई बी, और इधर क्या लिखा है, आर वाई और बी, क्या है, आर वाई और बी, तीन फेज के लिए सिंगल मीटर लगा है। अब जिस पर रखेंगे उस फेज का वोल्टेज बताएगा, नीचे रखूंगा तो वाई फेज की वोल्टेज बताएगा ये, और वाई फेज की फ्रिक्वेंसी बताएगा। तो इसका कनेक्शन हमने पीछे से रखा हुआ है इसका स्विच का, ठीक है ना। तो ये सेम मीटर को यूज कर सकते हो तुम तीनों फेज को रीड करने के लिए, ठीक है ना। जिस पे रखोगे वो वाला फेज की वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बताएगा, ठीक है, इतना पता चल गया, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं इस पे, ये है हमारा एक्साइटेशन की कंट्रोल के लिए, किसके लिए, एक्साइटेशन, क्योंकि जनरेटर है, जनरेटर की वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड है, एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे एक्साइटेशन हम बढ़ाएंगे तो देखेंगे हम वोल्टेज में चेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्साइटेशन कंट्रोल करने के लिए ये है। तो ये देखो, ये तार हमारी कहाँ जा रही है, ये देखो जनरेटर में जा रही है, कहाँ जा रही है, जनरेटर की फील्ड में जा रही है, ठीक है ना। तो ये भी तार हमारी जनरेटर फील्ड में जा रही है। एक्साइटेशन का क्या है, डीसी वोल्टेज, क्या है ये, डीसी वोल्टेज आएगी, डीसी वोल्टेज को चेंज करेंगे हम, जो मिलेगी इसको तो वोल्टेज हमारी चेंज होगी, वो देखेंगे हम। ये क्या है, ये है हमारा, ये है चेंज ओवर स्विच। जब हमारे सारे पैरामीटर्स चेंज होंगे, सही होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रिड के ऊपर कनेक्ट को, जनरेटर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये उसके लिए ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए स्विच है, इसलिए इसको छेड़ना नहीं है। जब आपको सिंक्रोनोस्कोप देखे, ये क्या है, सिंक्रोनोस्कोप, सिंक्रोनोस्कोप मैंने बताया आपको, वो क्या करेगा, फेज डिफरेंसेस देखेगा दोनों फेज के बीच में, ठीक है ना। तो आर वाई की एक के एक साइड कनेक्शन होंगे और आर वाई के दूसरे साइड कनेक्शन होंगे, दोनों के अगर सेम होगा सेंटर में, अगर ये सिंक्रोनोस्कोप दिखा रहा है सुई, तो इसका मतलब फेज डिफरेंसेस सेम है, सेम फेस एंगल पे काम कर रहे हैं दोनों फेसेस, तो तुम उस टाइम पे इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हो ग्रिड के साथ। तो अगर नहीं है तो फिर कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो उसी वो जनरेटर शॉर्ट होने की टेंशन रहती है। तो ये मीटर्स लगे हैं उसके लिए, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये आगे आउटपुट जो जा रहा है हमारा, कहीं पे भी आउटपुट दे रहे हैं, थ्री फेस जीरो आउटपुट लेंगे इधर से, यहाँ से आउटपुट लेंगे, जहाँ से भी आउटपुट लेंगे, तो वो उनकी जो रीडिंग है यहाँ से आएगी। तो ये वही मैंने वो मीटर बताया, आर वाई वी फेस का है, ये हमारा चेंज ओवर के लिए है, ठीक है ना, आउटपुट लेने के लिए। तो ये था हमारा सेटअप, और ये इंडिकेटर है आर वाई वी के फेस के देखने के लिए। करो बंद।